Right, now we're going to have a really interesting segment on stage. I'm calling this Captain's Corner. Because पूरे कप्तानों की फौज अब जो है वो स्टेज पे आएगी. अगर मैं कहूँ हॉकी और उड़ीसा, ये दो शब्द कहूँ तो उसके बारे में आई एम श्योर आप घंटों बात कर सकते हैं. पर जब मैं ये दो शब्द कहता हूँ एक साथ, हॉकी और उड़ीसा, तो आपके जहन में क्या आता है, आपके दिल में क्या आता है, ज़रा शेयर करिए सबके साथ. हॉकी और उड़ीसा साथ साथ हैं और साथ साथ रहेंगे. जैसे हमने देखा विजुअल में, ये कुछ बरसों से नहीं है, मैं कई सालों से 80, 90, 100 सालों से वही क्रेज़ चलते आ रहे हैं, आज भी वही हम देखने को मिल रहे हैं. और आज मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी को. उनका एम, उनका मेहनत हमारे इमेजिन के बाहर है. सो रियली थैंक यू सो मच देना चाहूँगा. मुझे लगता है कि ओडिशा गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है, हॉकी इंडिया लीग में जब ओडिशा टीम खेलती है तो वहाँ मैं यूपी विजर्स टीम के साथ जाता हूँ, तो 30-40 हज़ार क्राउड को देखकर ऐसा होता है कि यहीं बस जाए और रोज यहीं हॉकी खेलते रहे. It was always a pleasure to play in Orissa. I remember we did a few camps in Rourkela, and even for camp matches when the Indian team used to play practice matches among themselves, there used to be thousands coming to watch. And I think it's one of the most knowledgeable crowds for hockey, and they enjoy and appreciate great hockey. And I think there cannot be a better opportunity for the Indian men's hockey team to actually lift the World Cup. Maybe it's been a dream for so many generations now, since 1975, and there cannot be a better platform for the boys to really get inspired and maybe lift the trophy. Manpreet, thodi pressure ki balti Viren ne aapke sar pe rakh di hai. Nahi, bahut achhi baat hai ki hamara jo World Cup hai Odisha mein ho raha hai, kyunki hum log kafi der se wahan pe khelte aa rahe hain. तो वहाँ का क्राउड इतना ज़्यादा फ्रेंडली रहता है कि इवन ये, जैसे पिले भाई ने बोला कि वो सिर्फ एक ही टीम को नहीं, दोनों टीमों को पूरा सपोर्ट करते हैं. तो इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता है वहाँ पे, इतना ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में, मुझे नहीं लगता इंडिया में कहीं और आता होगा मुझे. और अभी जैसे वर्ल्ड लीग फाइनल हुआ था, इतनी बारिश होने के बाद भी वहाँ इतने सारे लोग स्टिल उसी क्राउड से, उसी एनर्जी के साथ वो आए थे टीम को मोटिवेट करने के लिए. सो आई थिंक एक वो बहुत अच्छी चीज़ है एक प्लेयर्स के लिए, कि प्लेयर्स की जो एनर्जी और एक मोटिवेशन होता है उसको बूस्टअप करने के लिए, और एक अलग एनर्जी मिलती है अपने होम क्राउड के सामने खेलने से. एक बारी जरा हम पांचों कप्तानों के लिए जरा जोरदार ताली बजा दीजिए प्लीज. थैंक यू सो मच फॉर ग्रेसिंग दिस ओकेजन.